चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज सोमवार है। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करे, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा उस पे बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सत्ता में आए तो आटा और डाटा दोनों फ्री देंगे, अखिलेश यादव ने जनता से किया वादा। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में केंद्र और राज्य सरकार पर सीधे निशाना साधा, सरकारी नीतियों की आलोचना की तो सपा के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। अखिलेश ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरा और साथ ही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प दिलाया। सरकारी योजनाओं की आलोचना की तो गठबंधन कार्यकर्ताओं को भविष्य के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो मुफ्त गुणवत्ता युक्त आटा देंगे और डाटा भी देंगे। यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार से 10 साल का नहीं बल्कि 17 साल का हिसाब लेना है, यह संविधान बचाने का चुनाव है। यूपी बोर्ड एग्जाम 20 मई के बाद मिलेगा 10वीं 12वीं का अंक पत्र। जी हां, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत 55,25,342 छात्र छात्राओं को 20 मई के बाद अंक पत्र सह प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद है। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तो 20 अप्रैल को ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक मार्कशीट छप कर क्षेत्रीय कार्यालयों को नहीं मिल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि सप्ताह के अंत तक अंक पत्र सह प्रमाण पत्र प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित जिलों को भेजा जाएगा, उसके बाद स्कूल स्तर से वितरण होगा। ऐसे में मई अंक तक मार्कशीट मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर से 370 हटाए, अब पीओके भी हमारा होगा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने गोंडा और प्रतापगढ़ में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने गोंडा में कहा कि ये लोकसभा चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच है। पाक की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने का है यह चुनाव। मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई, अब पीओके भी हमारा होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश और राहुल दो शहजादे घूम रहे हैं, दोनों प्राण प्रतिष्ठा में न्योता देने पर भी नहीं आए। शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए राम मंदिर नहीं आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में स्याही का निशान दिखाओ और मुफ्त पेट्रोल ले जाओ, कानपुर के पेट्रोल पंप की अनोखी स्कीम। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के पेट्रोल पंप मालिक ने अनोखी स्कीम निकाली है। शर्त यह है कि उंगली पर स्याही का निशान दिखाओ और मुफ्त पेट्रोल ले जाओ। बतारा कस्बे के पास स्थित कुष्मांडा पेट्रोल पंप और रामचंद्र पेट्रोल पंप पर 13 और 14 मई दोनों ही दिन मुफ्त पेट्रोल की स्कीम चालू रहेगी। युवा व्यवसायी और पेट्रोल पंप संचालक अनुराग गुप्ता के मुताबिक जो भी 13 और 14 मई को उंगली पर स्याही का निशान दिखाएगा उसे 100 रुपए के पेट्रोल पर 1 रुपए पेट्रोल का अधिक दिया जाएगा। अगर कोई 500 रुपए का पेट्रोल लेता है तो उसे 500 पर 5 रुपए का पेट्रोल अधिक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के दो ही विरोधी, पहला रामद्रोही और दूसरा पाक। अमेठी में सीएम योगी का कांग्रेस पर सीधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरीगंज में केंद्रीय मंत्री व भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के दो ही विरोधी हैं, एक रामद्रोही दूसरा पाक। कांग्रेस जाति जनगणना कराकर जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है और भारत के विभाजन की नींव रखना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दादी ने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया और पोता उसे आज भी दोहरा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स की बात कही गई है जो औरंगजेब की मानसिकता से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक स्कूल रहेंगे बंद। दरअसल आपको बताने की उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। सिर्फ एक जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहां पर परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से ग्रीष्मावकाश घोषित होगा। 20 मई से 15 जून तक परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। विभागीय अधिकारियों ने शिक्षकों को विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ जिले में 2115 परिषदीय विद्यालयों में करीब 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बीएससी डॉक्टर राजेश कुमार ने जानकारी दी। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में भी इसी के आसपास जो है गर्मियों की छुट्टियां रहने वाली, जैसा कि बीएससी और डीएम निर्धारित करेंगे।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द होगा मेट्रो का विस्तार, ऐसे बनेगा कॉरिडोर, ये होंगे स्टेशन। दरअसल आपको बता दें कि अमीनाबाद चौक और ठाकुरगंज तक अब मेट्रो से सफर आसान होगा। अगले 3 से 4 साल में सरकार ने शहर के पुराने इलाकों को भी मेट्रो से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट से पास भी हो चुका है। मेट्रो शुरू होने से पुराने शहर की रंगत बदलेगी, सघन इलाकों में जाम से राहत तो मिलेगी ही। लोग कुछ मिनटों में ठाकुरगंज से चारबाग और हजरतगंज पहुंच जाएंगे। हरदोई रोड और IIM रोड व बसंत कुंज की तरफ शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बनने से करीब 2.5 से 3 लाख यात्री रोजाना इसका शुरुआती समय में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर हाईवे से जुड़ेंगे 2 एक्सप्रेसवे और 1 हाईवे। 8 किलोमीटर की दूरी में बन रहे 3 इंटरचेंज। जी हां, आपको बता दें कि मेरठ बुलंदशहर हाईवे 335 आने वाले 6 माह में सबसे अधिक यातायात कनेक्टिविटी वाला हाईवे होगा। हाईवे पर मात्र 8 किलोमीटर क्षेत्र में ही 3 इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठगढ़ हाईवे 709A को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज अगले 6 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लोहिया नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास 3रे इंटरचेंज का निर्माण जल्द शुरू करने की तैयारी है। आज चौथे चरण की वोटिंग में यूपी की इन 3 हॉट सीटों पर सबकी नजर। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों भाजपा, सपा, कांग्रेस, गठबंधन और बसपा के प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बता दें कि चौथे चरण में आज उन्नाव समेत कानपुर क्षेत्र की 6 सीटों पर मतदान होना है। इनमें कानपुर नगर, अकबरपुर, उन्नाव, कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट शामिल है। इन 6 सीटों पर कुल 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता देते हैं कन्नौज लोकसभा सीट पर सबसे रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहां पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से है। फिलहाल जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, अब 4 जून रिजल्ट को ही पता चलेगा। यूपी के स्तर में कोड नंबर से जानी जाएंगी सभी सड़कें, गलियां और नाले, एक क्लिक में मिल जाएगी पूरी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि गोरखनगरी की सभी सड़कें, गलियां और नालियां जल्द ही कोड नंबर से जाने जाएंगे। कंप्यूटर पे कोड नंबर दर्ज करते ही संबंधित सड़क, गलियों और नालों का पूरा ब्यौरा सामने होगा। मसलन संबंधित सड़क कितनी लंबी और चौड़ी है, किसी विभाग ने इसे बनवाया है और सड़क बनी कब थी आदि, इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रिमोट सेंसिंग एवं एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के 4 सदस्यीय परियोजना विज्ञान की टीम शहर में कैंप किए हैं। रिमोट सेंसिंग एवं एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट के जरिए मैपिंग कर रहा है, जिसके बाद कोडिंग का काम शुरू होगा। यूपी से योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाएंगे पीएम मोदी, केजरीवाल के दावे पर जानिए क्या बोले यूपी के सीएम। दरअसल आपको बताने की तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 75 की उम्र को पार करते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाएंगे, इसके बाद अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनके इस बयान पर सबसे पहले अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल इसको लेकर गलतफहमी में नहीं रहे, अब बारी योगी आदित्यनाथ की थी। यूपी के सीएम ने साफ शब्दों में कहा, लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए विपक्षी दल प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर अनावश्यक और हताशपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी को भारत को उसकी बुलंदियों पर ले जाने वाले पीएम के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को अखिलेश ने दिया डबल झटका, बीजेपी के सांसद और पूर्व सांसद को सपा का टिकट। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को डबल झटका दे दिया। अखिलेश ने मिर्जापुर सीट पर भदोही से भाजपा सांसद रमेश बिंद को सपा का उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर में रमेश बिंद के सामने NDA प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर में सपा ने पहले बिंद को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने दांव पलट दिया। दरअसल सीटों को लेकर हुए समझौते में मिर्जापुर अपना दल एस और भदोही सीट निषाद पार्टी के खाते में चली गई थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी वालों को छोड़ किसी कर्मचारी के प्रमोशन में बाधा नहीं, कार्मिक विभाग ने साफ की स्थिति। जी हां, आपको बता दें कि आचार संहिता के दौरान पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा को दूर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने साफ कर दिया है कि चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों को छोड़ अन्य की पदोन्नति चुनाव आयोग से अनुमति लिए बिना की जा सकेगी। इसके दायरे में वही कार्मिक आएंगे जिनकी पदोन्नति के बाद दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि मौजूदा समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसीलिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जारी नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, CISF ऑफिस से आया मेल। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ में अमौसी स्थित 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। CISF में आज एक मेल आया, जिसके तुरंत बाद निरोधक दस्ता ने पूरे लखनऊ एयरपोर्ट परिसर की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दोपहर करीब 3 बजे CISF ऑफिस को मेल मिला, इसमें बागडोगरा, भोपाल, पटना, जम्मू, जयपुर सहित 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। CISF हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ और अन्य हवाई अड्डों के दोपहर 3:05 पर धमकी भरा मेल मिला था, जिसकी जांच करने के बाद कोई भी सामान प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में CM योगी बोले, 4 जून के बाद UP को घोषित करेंगे। क्या है? उत्तर प्रदेश में फिर CM योगी बोले, 4 जून के बाद UP को घोषित करेंगे माफिया मुक्त राज्य। कहा, इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त। जी हां, आपको बता दें कि UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी बवाल करेगा उस पर डंडा तो चलेगा ही। UP में बवाल करने वालों को 7 पीढ़ी तक जुर्माना भरना होगा। आज प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, अब अपराधी गले में तख्ती डालकर जान की भीख मांगने पर मजबूर हैं। हमने प्रदेश में एक भयमुक्त वातावरण दिया है। माफिया को एक बार फिर चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि 4 जून के बाद हमारी सरकार यूपी को माफिया मुक्त राज्य घोषित करने के लिए एक निश्चित तारीख तय करेगी। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी माफियाओं की अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा और इसको गरीबों, अनाथों, महिला संरक्षण गृहों व दिव्यांगों के घरों के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के अवैध जमीनों पर अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। यूपी में अखिलेश यादव को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। सपा के इस दिग्गज नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता BSP में शामिल। दरअसल आपको बता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री मतेश चंद्र सोनकर ने कुछ दिनों पहले सपा से जो त्याग पत्र दिया था, वहीं अब वर्ष 2009 में बसपा से कौशाम्बी लोकसभा और 2022 में प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा से सपा का चुनाव लड़ चुके समाजवादी पार्टी के नेता गिरीश पासी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग बसपा ज्वाइन कर ली। ओसा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि प्रयागराज मंडल के प्रभारी अशोक गौतम और प्रयागराज व मिर्जापुर मंडल के प्रभारी राजीव गौतम ने उन्हें बसपा की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश में BJP सांसद रामशंकर कठेरिया के बिगड़े बोल, डिंपल को लेकर अमर्यादित टिप्पणी पर सपाइयों में उबाल। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे को घेरने की होड़ मची है। इसमें कई बार भाषा की मर्यादा भी टूटती नजर आ रही है। ताजा मामला इटावा से सामने आया है, जहां रोजगार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भाजपा सांसद और प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के बयान पर सियासी उबाल आ गया है। सपा ने रामशंकर कठेरिया पर मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उनके बयान पर सख्त एतराज जताते हुए मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ से की है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल इटावा के वर्थना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे रोजगार को लेकर एक सवाल किया गया। सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया, डिंपल यादव ने आज एक जनसभा में कहा कि सांसद जी ने रोजगार के अवसर इटावा में उपलब्ध नहीं कराए। इस पर सांसद रामशंकर कठेरिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि वह थी क्या, उसके पति कहां चले गए थे, मुख्यमंत्री बने रहे तो इटावा में क्यों नहीं रोजगार पैदा किया। उत्तर प्रदेश में PM के स्वागत में सजा काशी का चौक चौराहा। 5 किमी के रोड शो में दिखेगी मिनी इंडिया की झलक। दरअसल आपको बताने के प्रधानमंत्री के रोड शो को सफल बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लंका से विश्वनाथ धाम तक की सड़कों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इसके अलावा जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा उस चौक चौराहों को सजाया गया है। PM के रोड शो को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वे प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और दुकानदारों के पास पहुंचे और उन्हें रोड शो आमंत्रित किया। BJP के नेताओं का मानना है कि रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सक्रिय होना जरूरी है। शहर के महत्वपूर्ण पॉइंट पर बूथ कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के गौरीगंज से बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने दिया इस्तीफा। आकाश आनंद के पद छीनने से आहत। जी हां, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट गौरीगंज से बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और विधानसभा सचिव ने बसपा पार्टी के सभी दायित्वों से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि वो बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के निर्णय से आहत हैं। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से गत चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे रामलखन शुक्ला का कहना है कि उन्होंने विगत 25 वर्ष तक बसपा से जुड़कर सेवा की, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त करने के निर्णय से आहत। ऐसे में उन्होंने बसपा के सभी पदों से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के घर पहुंचे गृह मंत्री शाह। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत? दरअसल आपको बताने की दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह रविवार को रायबरेली पहुंचे। यहां भाजपा के जनसभा के बाद गृह मंत्री शाह पीएससी स्थित सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के आवास पर पहुंचे। उनके साथ रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी थे। सपा विधायक मनोज पांडे ने गृह मंत्री अमित शाह का अपने आवास पर वेलकम किया, उन्हें बुके दिया और फिर पैर छुए। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने मनोज पांडे के आवास पर बंद कमरे में भाजपा के नेताओं के साथ मीटिंग की। माना जा रहा है कि ये मीटिंग लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों को लेकर थी। बता दें कि मनोज पांडे कभी सपा के कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते थे। देश भर के गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, एक साल में 2 करोड़ नौकरी, केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटियां दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अभी भी कई चरणों का चुनाव बाकी है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा करवाऊंगा। ये गारंटी भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है। देश तय करेगा कि मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। उन्होंने बिजली गारंटी देते हुए देश भर के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। शिक्षा की गारंटी दी है, स्वास्थ्य की गारंटी दी है। राष्ट्र सर्वोपरि कहते हुए कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, जमीन को चीन के कब्जे से छुड़ाएंगे। वहीं अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, देश के किसानों के लिए MSP लागू करेंगे। वहीं बेरोजगारी को 2 करोड़ रोजगार से दूर किया जाएगा। भ्रष्टाचार, भाजपा की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा करके तोड़ेंगे। केंद्र सरकार व्यापारियों को डरा रही है, GST का सरलीकरण करेंगे। आपको मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पसंद आई, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मृति ईरानी ने दी राहुल प्रियंका को बहस करने की खुली चुनौती, कहा तय कीजिए जगह और एंकर। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़े स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका को बहस करने की खुली चुनौती दी। मालूम हो कि राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वह मोदी से बहस कर सकते हैं, लेकिन मोदी उनसे बहस नहीं करेंगे। अब इस पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद मुद्दों से भाग रही है। सांसद स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते हुए चुनौती दी, कहा कि मेरी आज इन सबको चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए, दोनों भाई बहन एक तरफ और मैं एक तरफ। उत्तर प्रदेश में भाजपा को समर्थन देंगे या नहीं, कुछ देर में पत्ते खोलेंगे कुंडा विधायक, राजा भैया ने कार्यकर्ताओं की बुलाई मीटिंग। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने को लेकर कुंडा विधायक राजा भैया ने जनसत्ता दल की एक मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि जनसत्ता दल की मीटिंग में ही राजा भैया अपने पत्ते खोलेंगे। करीब एक सप्ताह पहले गृह मंत्री शाह और राजा भैया के बीच कौशाम्बी सीट उम्मीदवार को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। ऐसे में अब जनसत्ता दल द्वारा भाजपा का समर्थन करने की चर्चा और तेज हो गई है। राजा भैया भाजपा को समर्थन देंगे या नहीं, इस पर अगले कुछ घंटे में फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में पोस्ट ऑफिस में 755 रुपए में मिलेगा 15 लाख तक का लाभ, बच्चों के शादी और पढ़ाई में भी मिलेंगे रुपए, ये है स्कीम। दरअसल आपको बता दें कि डाक विभाग बदलते समय में जनता को राहत देने व इनकम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। डाक विभाग ने नीवा बोपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ नीवा बोपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की है। एक साल के लिए 755 रुपए में पॉलिसी ली जा सकती है। किसी भी घटना होने पर नॉमिनी को 15 लाख रुपए का लाभ मिलता है। इन पॉलिसी का लाभ लिए जाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता होना जरूरी है। 18 से 65 वर्ष के लोगों को ही पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। दिव्यांगता, आंशिक दिव्यांगता पर भी 15 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। JEE भर्ती में एक पद के लिए 500 दावेदार, 968 पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती 2024 के लिए एक पद पर 500 अभ्यर्थियों ने दावेदारी जताई है। आयोग ने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में जूनियर इंजीनियर के 968 पदों के लिए देश भर से कुल 4,83,557 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस प्रकार प्रत्येक पद पर 499.54 या औसतन 500 दावेदार मैदान में हैं। आयोग की ओर से RTI में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदकों में सर्वाधिक 2,07,829 से हैं, SC के 1,13,000 हैं। यूपी में ब्रजभूषण बोले सच्चाई का गीत गाना बगावत तो हम भी बागी, गोंडा में कहा मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। जी हाँ, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर को उसका हक दिला देना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब भी बगावत है, मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, आपको बताने की बात गोंडा के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कही। वह अपने बेटे करण भूषण के समर्थन में कैसरगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने अभी भी
सार्वजनिक मंच से बयान दिया था। आपको याद होगा गोरखपुर का एक मामला था, हमसे पूछा गया तो मैंने कहा था मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ। यूपी के ललितपुर में बारिश, गाजीपुर में गिरे ओले। यूपी के 44 जिलों में आज आधी बारिश का अलर्ट, 20 मई तक लू से मिलेगी राहत। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में 4 दिन से बारिश हो रही है। रविवार शाम ललितपुर और गाजीपुर में तेज बारिश हुई। गाजीपुर में कई स्थानों पर ओले भी गिरे, इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि ओले गिरने से आम की फसलों को भी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 44 जिलों में आधी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान ओले भी गिरेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगे। 20 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बाकी सभी 44 जिलों की लिस्ट आप यहां पे देख पा रहे होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। कोई पैसा नहीं लगता, हमें अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें ऐसी रोज की ताजा खबरों के लिए।